हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदी सबक के जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक हैं और फाइनली हम सब पहुंच चुके हैं मुंबई। अम्मा थक जाती हैं इसलिए हम लोग ये वाली गाड़ी में बैठे थे, अब घर पहुँचते हैं। तो हम लोग की खुशी में इतने सारे आज फल मंगाए। देखो हम लोगों के लिए फल मंगाए कि अम्मी आपने अपने लिए मंगाए, तुम्हारे लिए चाय बना दो। थक गए ना काम करते करते, अभी कोई नहीं ना, पर भी नबी आई नहीं है ना, अंगूर भी तुम्हारे लिए काले ला है। ये क्या लेके आई हो? अरे उस टाइम में केक नहीं बना पाई थी। केक बनाया? ये कब बनाया तुमने? परसों रात से बन रहा है। ये सर तो नहीं गया होगा परसों से? इसमें फ्रीज करने के लिए रखना पड़ता है ना। तीन दिन बराबर ऊपर गई है। बर्तन तुमने लाके नहीं दिया मुझे। अच्छा, इसीलिए बर्तन की वजह से। कल मैं पहले टेस्ट देख के बताएंगे कैसा है। तो जब से आ चुके तब से हम लोग की बातें ही नहीं खत्म हो रही है फ्रेंड्स, तो अभी जाके फ्रेश होंगे। लेकिन उससे पहले रिजा ने सरप्राइज दिया है केक का, पूरे घर का कैसा हाल कर दिया हम लोगों ने आके। अम्मा तुम्हारे लिए लेके। क्या बात है, थैंक यू अम्मा। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पाई थी, मैंने सोचा रेहान को मैं वहीं जाके जो भी उसको पसंद का होता है वो दिला देती। अम्मा तुम्हारे लिए लेके आई है। थैंक यू अम्मा। अंकल चिप्स और क्या है टेढ़े मेढ़े? हाँ, बचपन में बहुत खाया है। बचपना ही है, मोदा में बहुत यहाँ नहीं मिलता। हाँ। तो चलो भैया केक टेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये है रिजा का लोटस बिस्कॉफ केक, अभी हम आपको खा के बताएंगे कि कैसा है। तो ये केक कट रहा है फ्रेंड्स। अरे सॉफ्ट तो बड़ा दिख रहा है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो आज हम लोग बहुत महंगा, दुनिया का सबसे महंगा वाला केक खाने जा रहे हैं। अम्मी आपको कैसा लग रहा है? खा के बताएंगे। अरे भैया चीज ही चीज है। आवा झूठ मत बोलो, ये ऐसे ही होता है। अम्मी इसने मेहनत नहीं करी? मुझे तो लगता चीज चीज है तो काम। रेहान बताओ, मैंने मेहनत नहीं करी है केक में, सबसे ज्यादा मेहनत का काम है। क्या किया? तीन दिन से ये केक बना रही हूँ। तीन दिन में क्या किया तुमने? छह घंटे फ्रीज होने के लिए लगता है इसको। तो ये हमने तोड़ा। अच्छा, इसका बेस है नीचे ना? ऐसा नीचे पहले बिस्कुट कड़क बेस है, ये उठाया। बहुत अच्छा। बस मैं सोच रही हूँ कि काश हम लोगों को ये सब बीमारियां नहीं होती जो हम लोग सब कुछ खाते रहते हैं। लेकिन मजबूरी है, लेकिन बहुत अच्छा बना है। अम्मी ये केक कैसी तरह होता है? अम्मी हाँ बस और नहीं बस, बहुत अच्छा है ना। चलो अब इसकी अम्मी बताएगी, होनहार बेटी की होनहार अम्मी। सही है। वनीला लेकिन बटर स्कॉच लेकिन घर का केक है। अच्छा बहुत अच्छा है भैया। अच्छा नहीं खा लिया वो, इतना मुंह में रक्त के साथ मेल्ट हो रहा है। अच्छा चलो गुड। लेकिन फ्रिज में जगह नहीं रखने के लिए, मैं भी खाऊंगी, मैंने खाया इतना अच्छा। पास्ता भी बनाया है। हाँ अम्मा आपका आपको पसंद है पास्ता? खिलाओ अम्मा को, निकाल के दो। लेकिन बहुत अच्छा बना रिजा, भोपाल की यादें ताज़ा करते हुए शीरमाल के साथ गोश्त। गोश्त बहुत अच्छा, सबसे मेरी मन पसंद, जब मैं जाती थी यही खाती थी। अच्छा की भोपाल की फेमस शीरमाल है। अच्छी अच्छा भी लग रहा है। अरे ये में हो क्या यार, और बाद में रोने लगा था क्या? इधर आ, आपने बताया ना कॉफी चेहरे पे लगाते हैं तो अच्छी हो जाती है। मेरा स्किन इतना अजीब सा हो रहा है तो मैंने सोचा कॉफी का स्क्रब मुंह में लगाती हूँ। अच्छा है। और यहाँ पे क्या बन रहा है? मटर पनीर, पता नहीं कैसे बना। अरे वाह, अम्मी इसमें तेल नहीं डालते, देखा चम्मच ही होता है वो। ये देखो, आज मैं प्रॉपर ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ जब से मैं आई थी उस दिन से, क्योंकि बीच में मेरे दो दिन बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, मुझे हो गया था डिहाइड्रेशन। सफर में मैं पानी नहीं पीती हूँ। अम्मी हमेशा मुझे कॉल पे बोलेगी पानी पी लो पानी पी लो, टाइम से अपना ध्यान रखना चाहिए, लेकिन मैं भूल जाती हूँ फ्रेंड्स, ऐसा हो जाता है। और उसका मैंने इस बार बहुत बुरा खामियाजा भुगता है। हमारा ये दालचीनी का पानी, सारी गंदगी निकाल लूंगी आज मैं। तो अभी ये लगा लिया, उसके बाद रेडी होना, और उसके बाद आज बहुत सारे काम करना। और अभी हम नीचे आपको इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ऊपर हमारे घर की बहुत बुरी हालत हो रही है। ऊपर का काम चल रहा था इतने दिनों से, वो काम कंप्लीट नहीं हुआ। हमने एक्सपेक्ट किया था कि जब हम आएंगे काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हमारे बिना कैसे होगा, हमें काफी सारी चीजें लेने जाना है, फोटो शूट भी पेंडिंग है ना, तो वो भी करना है। तो फ्रेंड्स मैंने अपने फेस पे ज्यादा स्क्रब कर ही नहीं पाई, फिर मेरी ट्रेनर आ गई, और इतने दिनों बाद आज अपना फिर से वो सारा मैंने जिम वाला सेशन किया। ज्यादा नहीं हो पाया क्योंकि पूरा ब्रेक हो गया, वो थोड़ा गुस्सा भी हुई कि अब हमें फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ट्रैवल में सारी चीजें खराब हो ही जाती है, और ट्रैवल का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी स्किन पे। तो अभी मैं मामा अर्थ के न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट जो है वो यूज करने जा रही हूँ, जो कि उन्होंने हाइड्रेशन के लिए बनाया है। इसका ये फेस वॉश भी है और मॉइस्चराइजर भी है, वो भी मैं यूज करूंगी। और इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं खुद को रोक भी नहीं,
में इसे यूज करना चाहिए क्योंकि इसमें बीट रूट है और हाइलुरोनिक एसिड है। फेस मेरा वॉश हो चुका है, अब मैं लगाऊंगी मामा अर्थ का न्यूली लॉन्च बीट रूट हाइड्रा फुल मॉइस्चराइजर। ये प्रोडक्ट ना फ्रेंड्स मामा अर्थ ने हाइड्रेशन के लिए लॉन्च किया। जब मैंने सुना इसके जो इंग्रीडियंट्स है वो इतने अच्छे हैं, मतलब बीट रूट और हाइलुरोनिक एसिड, तो फिर मुझसे कंट्रोल लिया, मैंने सोचा यूज करना चाहिए। आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊँ, हमारे फेस पे जो डलनेस आती है ना वो डिहाइड्रेशन की वजह से आती है। बीट रूट में 87% वाटर कंटेंट होता है जो हमारी स्किन को सपल बनाने में हेल्प करता है, और जब वो हाइलुरोनिक एसिड के साथ मिलता है तो ये दोनों मिलकर हमारे स्किन को लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन देते हैं, साथ साथ जो पिंक ग्लो हमारे स्किन से चला जाता है उसे भी वापस लाते हैं। मामा अर्थ का बीट रूट हाइड्राफुल मॉइस्चराइजर मेरे स्किन को हाइड्रेशन मॉइस्चराइजेशन के साथ साथ पिंक वाला ग्लो भी देगा। और इसका टेक्सचर फ्रेंड्स बहुत अच्छा है, बहुत लाइट वेट, नॉन ग्रीसी, स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहा है और स्किन एकदम हाइड्रेटेड लगने लगी है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं हो चुकी हूँ रेडी और मुझे आपको ये बताना था कि मामा अर्थ की जो गुडनेस है सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स में नहीं उनके ब्रांड वैल्यू में भी, जैसे कि उनका प्लान गुडनेस इनिशिएटिव। तो जब भी आप उनसे कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं आपका ऑर्डर वो एक ट्री के साथ लिंक कर देते हैं जो कि उन्होंने प्लान किया होता है। 2025 तक मामा अर्थ 1 मिलियन ट्री प्लान करने का टारगेट कर रहे हैं। और अब मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट्स है वो आपके आसपास के स्टोर्स में भी अवेलेबल है, आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट नाइका मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट या उनकी ऐप पे जाके। उनकी वेबसाइट या ऐप पे जाके लेंगे तो मेरा कोड यूज करना मत भूलिए जो कि सबा 2024, तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। हम लोग घर से अपने सारे काम खत्म करके आ गए हैं, अब यहाँ पे टाइल्स देख रहे हैं अपनी रेस्टोरेंट के लिए, बहुत सारे काम है। हम लोग मौधा से आके अभी सुकून की सांस नहीं ले पा रहे, सिर्फ काम काम काम। ये रही सामने हमारी दुकान, टाइल्स हमें जो चाहिए थे वो मिले नहीं लेकिन कल मिल जाएंगे। और हमें अपने जो न्यू बेडरूम है ना उसके लिए स्पॉट लाइट्स देनी थी, वो लोखन वाला में मिलती है, हम लोग लोखन वाला आ चुके हैं। और कॉफी का मन था तो टिम हॉर्टन्स आ गए, फिर उसके बाद बाकी काम। ये बॉर्नविटा वाली मुझे लेने से बॉर्नविटा नहीं है, वैसी तो लग रही है बॉर्नविटा जैसी है। ये मेरी है, कैसी है ना बॉर्नविटा देखा, ये तो कड़वी है पूरी कैपेसिनो। कॉफी पी ली, अब नींद थोड़ी दूर हो गई, अब जल्दी जल्दी काम कर लेंगे। ये है चांगी, क्या खाना है, क्या पता नहीं कौन कौन सी लाइट लेके जाएगी, मुझे लगता है जो ले जाए सिर्फ वही लेगी, बहुत चीजें लेगी, वो ज्यादा हो गया ना सर। लेकिन सिर्फ येलो चाहिए, बार बार तीन कलर की करनी पड़ती है। तो फिर एसी को ले लेते हैं, गोल्ड था ना, इतने सारे ऑप्शन है लाइट्स से कंफ्यूज हो गए, वॉट्स में, साइज में, सब। तो बेडरूम का तो हो गया, एक जगह के लिए कुछ और देखना था, लाइट्स की शॉप पे आके तो फिर मेरा दिल ऐसा हो गया। आपसे बोला था ना कभी भी एक चीज लेके नहीं जाएगी, लाइट की शॉप पे आके और भी चीजें देखेगी। ये लगा है ना, ये भी लगा सकता, ये अलग अलग लग जाएंगे। हाँ सिंगल सिंगल भी आएगा। हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छे अच्छे ऑप्शन है लाइट्स के। पिंक पंखा ले लो, पिंक पंखा लगा लो। तो अभी हम सोच रहे हैं कि फैन भी ले लेते हैं न्यू वाले रूम के लिए, तो मैं बस कंफ्यूज हूँ, सोच रही हूँ कुछ गोल्ड लूँ, बहुत ज्यादा व्हाइट व्हाइट। मैं बताऊँ वो ले ली येलो और ब्राउन, जैसे ना खड़े नहीं थे लगवाए आपने घर में, पेंट करवाया। हाँ वैसे ले ली, ये बिकता है ना ये कलर। अरे ये कौन सी है। तो हमारे यहाँ से सारे काम हो चुके हैं फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे हैं घर। और सनी को दिख गया तरबूज लाइट ग्रीन वाला, हाँ। देखने में तो लाल नहीं दिख रहा, नहीं नहीं आप बताओ। एक से पहले दो मीठा दे दो भाई। वो शॉप से हमने कंसील लाइट्स तो ले ली लेकिन लैंप्स नहीं लिए फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा महंगे थे। एक लैम्प मतलब 8-10 हज़ार रुपये का आ रहा था छोटा सा, तो हमने सोचा हम क्यों ना ये वाला यूज़ करें क्योंकि ये भी काफ़ी प्यारा लगता है। तो बस हम यहाँ पे वो देख रहे थे, हम लोग घर को देखते रहते हैं, ये भाई भी हमारा ब्लॉग देखते हैं। हाँ ये अच्छा लग रहा है, शुक्रिया भाई आपका। कैसा लग रहा है, अच्छा है ना। हाँ अच्छा लग रहा है, ये वाला दे दो यार। चार ये जला रहे हैं, इसलिए जला रहे हैं ताकि जो रेसा रहता है ना फास्ट टाइप का वो हाथ में ना लगे, तो जल रहा है। फाइनली बहुत अच्छी लाइट्स मिल गई वाली शॉप आ चुके हैं फ्रेंड्स हम लोग घर। कहाँ है सब लोग, नीचे गए। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, अल्लाह तो अच्छे रहा, सनी अच्छे रहा, अल्लाह तो औलाद दे, अल्लाह तो दुकान चले, अल्लाह दुआ करो पहले दुकान खुल जाए, अल्लाह खूब चलाए। ये पढ़ाई कैसे चल रही है, टीवी चल रही है। तो पीना ऑन किया था, मैं तो पढ़ रहा था। रिजा कल तुम्हारा एग्जाम है और तुम टीवी देख रही हो, कहाँ। मैं सोने जा रही हूँ, 5 मिनट माइंड को अच्छा कर रही हूँ कि सुबह चार। और ये क्या खा रही हो। वो मैंने अभी खाना नहीं खाया तो मैंने बस ब्रेड खा ली और सोचा थी। कितने बजे कल, 11 बजे एग्जाम है पर स्कूल 10 बजे पहुँचा। तो टीवी बंद कर दो चुपचाप वरना एग्जाम में यही लिख के आओगे। ये अमरूद, अमरूद मीठे है या नहीं, एक ले जाती हूँ। ये देखे हम रूम के लिए लाए। अच्छा
कहाँ दो नए वाले रूम के लिए लैम्प। तो फ्रेंड आ गए हैं घर और सबा ने लगा दिया अल्हम्दुलिल्लाह खाना गर्मा गर्म भी खाएंगे दोनों लोग मियाँ भी बैठ के खाना। हमने बाहर कुछ नहीं खाया खाना वाना। तो ये है सब्जी पनीर की मेरे लिए, सबा की ये मूंग की दाल, चावल मीठा था ना तरबूज इतना मीठा साली से मोदा हमें पहले आता गया था ना ध्यान दे के ले जाऊं छाड़ के और रमजान का माल आ गया। सनी कहाँ से आया है? यूपी वाला है। यूपी से आया है ये जब था वही मोदा की याद आ रही थी। तरबूज तरबूज इतना ज्यादा मीठा कि उसकी खुशबू आ रही है मीठे की। ये क्यों रखे है? हमारे कपड़े बैग दोगी जब हम रखेंगे। ले अपनी मूली ले। खेत की है ना? खेत की ये है मिठाई जो पप्पा ने दी थी ये भाभी को देना है। ये बेसन किसका है? तोहफा पप्पी का। तोहफा पप्पी ने दिया था। और इसमें क्या है? ये गुड़। गुड़ भी तोहफा पप्पी ने दिया है। और दलिया भी दिया था। मटर पूरे सूख गए मुझे लग रहा है ना। बेर बेटी खाला मैसे ने तोड़ के दिए थे। मैसा देख पुरानी चीजें याद है आ गई सही में अब्बा के टाइम की ना। हाँ। कैसे तोड़ तोड़ खाते गए थे अपनी बिरयन से मूली अब ना मटर ले आती थोड़ा से दूसरों के खेत के है। अल्लाह माफ करे बस थोड़े से मोहब्बत में तोड़वा लिए थे कि अम्मी को ले जाए। जिसके खेत के है माफ करना आपको बता दिया था चोरी नहीं है। सभी के खेत के साइड में जिसके खेत होंगे वो समझ गए। देसी माल है देसी। हाँ देसी माल है। तुम्हारे यहाँ हमने मटर नहीं लगाया था चना लगाया था। लगा नुकसान चोर जाता है ना। हाँ। हाँ। जैसे तुम्हारे चोर होते हैं थोड़ा ले जाते चोरा चोरा के। हमने से कहा कि बस 5-6 तोड़ दो उसने पूरे तोड़ के निकाल लिए कि आवा को। लेकिन ये सूख गए हैं इसलिए मीठे कम लग रहे हैं वरना उस दिन बहुत मीठे लग रहे थे। ये अम्मी ले लो भैया रुकैया ने आपके लिए स्पेशली भेजा है। पेड़ है किस्नु बाबा के। किस्नु बाबा तो बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया लेकिन पेड़ अभी तक जिंदा है। रुकैया दो चीज तेरी मिल गयी आराम आराम से खाएंगे अपनी शकलकंद जो तुमने मंगाई थी झोले के अंदर। जवान शकलकंद स्वीट पोटेटो लाल मिर्च को देना रोज उबाल उबाल के खाएगी अम्मा की सेहत बनेगी। ठीक है अम्मा शकरकंद नहीं खाती। झूठ खा रही थी मम्मी को मत देना इतनी। अब ये टाटा का माल जमशेदपुर का ये क्या निकला पुराने कपड़े। एक रजा के लिए ड्रेस भोपाल से लिए बीबी भोपाल से। अच्छी है अच्छी है। और एक ये चलेगा बस लेगिंग्स ला दे। तो ये झोला तो ले ला। बेटी खाना खा रही है इंतजार से कि झोला खा ली हो क्योंकि आपको पता है सनी ने बेचारी की सूटकेस बाहर से खाली अंदर करवा के रखवा दी है। सनी ने खाली नहीं करवा दी है ये बताओ इतना बड़ा सूटकेस था वो। ये वाला जो सूटकेस है इससे डबल था सूटकेस इतना ऊंचा होगा। हाँ। तो मुझे लगा बहुत बड़ा है मेरा दर्द हो रहा था मैंने कहा पकड़ा उसको रखवा दिया। जब मैंने यूं उठाया तो पूरा खाली। अब मैं पहले का जो था खाली सूटकेस जाएंगे नहीं अभी वहाँ पे कहती है वहाँ से खाली सूटकेस यहाँ से भर के जाएगा। जब फ्रेंड्स हम लोगों ने खोल के देखा हमने कहा इसका सामान शिफ्ट कर देते हैं इतने बड़े सूटकेस में दो जोड़ी कपड़े। सनी का गुस्सा अलग लेवल पे। सनी कह रहा ये वापस रखो क्योंकि फ्रेंड्स कार में आ भी नहीं रहा था। हाँ तो बेचारी के कपड़े दो जोड़ी निकाल के झोले में लवारिस की तरह। अम्मा आप सबको ऐसे 100-100 रुपए वाले झोले मिलेंगे। अल्ले वो अम्मा कह रही सूटकेस चाहिए। सूटकेस की जिम्मेदारी खुद की हुई। सूटकेस तो है अम्मा के पास। अम्मा ये दिया था बबली के मतलब घर वालों ने फूफा फूफी लोगों ने मतलब दादी ने। अच्छा है ना। हाँ बहुत अच्छा है। जमीला मतलब सलाह लीजिए वाला है। ये कोई मिलने आई थी उनका कोई पेज है इंस्टाग्राम पे वो लाई थी। ये तोहफा पप्पी की तरफ से ये हमने वहाँ नहीं खोले थे। सनी की टी शर्ट और ये हमारे लिए लाए थी। सही अच्छा है। वेरी गुड। तोहफा बहुत अच्छा सूट है सालू का दिन है। हाँ बहुत अच्छा दिन अभी बहुत थेरेपी गिफ्ट से कोई मतलब नहीं होता लेकिन एक ही रहता है कि सही है। और ये जहाँ बबली की शादी हुई है उसके देवर लगा ना शादाब ने दिया था ना। शादाब ने दिया था जनमाल। ये बबली के ससुराल वालों ने सूट दिया था। रमजान में काम आएंगे सारे। ये है रिजा का टैंपर। ये देखो ये सब मिलने आते थे लोग इतनी मोहब्बत से लेके आते थे। ले रहे हैं ये हैम्पर आया है। वैसे मैंने रिजा के लिए बोल दिया था लेकिन उसमें तुम्हारी मतलब की भी चीज शेयर कर लेंगे। नहीं देखो ये जैसे चॉकलेट मेरी हो गई ये तुम्हारी तो फेवरेट है ना। चुनिंग एक मिनट बट इसमें मिल्की बार भी है हर चीज है गैलेक्सी है कुछ मेरा ले लेना आपको। अरे कौन है ये? ये रेहान के हेल्थी चीज है ये अम्मी को दी रेहान। नहीं हिस्सा मेरा भी। अरे वो तो मेरा फेवरेट है। एक काम कर तू अपना वाला ले। तू अपना वाला ले मुझे दे दे। अरे उसमें हम लोग का भी हुआ। नहीं ये आवाज हां और वो जो एक जो जिन्होंने अम्मी मुझे वाइट सूट दिया है वो एक ही भाभी के लिए देके गई थी। एक ये कैंडल्स सेंटेड कैंडल्स मेरे काम आएगी। ये देखो किसके लिए? मेरे लिए। ये रख दो तुम्हारे यहाँ दुल्हन के लिए। ठीक है सही है रेहान ये तो तुम पहले
अच्छी लग रही ये। थैंक यू सूफी और जीना टेलको जमशेदपुर। आधा जमशेदपुर तो यहीं आ गया हमारे जमशेदपुर वालों ने पूरी मोहब्बत दी आज ने पूरी देखा भी है मैंने। एक सोने के नाक की दी अम्मी वो आप पहनना ये खोल के जान तुम शहजादी और मंजर ये कोई परफ्यूम देके गए ये तो मेरा भाई है। गलत अरे देखो ना मुंह का चिप्स इसका मतलब ये रहा आपका दर्द आलू का चिप्स होगा ना। चल विवेक सब एंड सनी अंदर चॉकलेट भरा है इसमें। थैंक यू शहजादी एंड मंजर। चना चोर गरम चना चोर गरम है चना चूर गरम चना चोर गरम कुछ नहीं बैठा अम्मा को दे दे अम्मा को एक हिजाब बांधेंगे। हाँ ठीक है कॉफी फिल्टर कॉफी दे देना खाते मोहब्बत दी है दही कैसा है बेटी का एक हाथ की तुम्हारी एक हाथ की मेरी बिल्कुल ठीक है दोनों साथ में पहने ही जब पहने ये पुरेरो ये वाला तो तुम नहीं कर ड्राई फ्रूट बीच में रहता एक कार है एक कार नहीं कर रही कोई एनर्जी ड्रिंक ला ये मैं ले लूंगा। आपको तो कुछ नहीं मिला कांटा वाले ने इतनी खोल के मोहब्बत की प्यार किया कि कुछ चाहिए मेरे मुझे लेमन टी है ये जमील अम्मा ताकत वाले जवान दीजिए खाकी जमशेदपुर से नगमा और तमरीन की तरफ से हिजाब हमें मिले हैं। ये किसने दिए क्या ये इमली की कैंडी ये देखो कीमती तोहफा पूजा और डिम्पी की तरफ से पंजाबी इयर रिंग्स दिए हैं। अम्मी देखो फुलकारी का दुपट्टा होता है वैसे इयर रिंग्स कितना खूबसूरत है अच्छे करा है एक फंक्शन में कभी तुम पहनना फिर हम पहनेंगे कब होंगे हमारे घर में फंक्शन अरे होंगे ना त्योहारों में पहनेंगे ना ऐसे दुपट्टा ओढ़ेंगे ये भी पहनेंगे ठीक है। ये चूड़ियां है थैंक यू सो मच सूखा हुआ फूल ये मैं संभाल के रखूंगी और ये सबसे स्पेशल चीज क्या ये हमें वहाँ पे मिला था। हाँ, ये भी मुझे तुमने छोड़ दिया इसको नहीं वो छोले में दब गया सही करवा वो सही हो जाएगा रखा रखना ही तो है उससे खेलना थोड़ी ना हो जाएगा ठीक है। वो भी टूट गया यार सच में यार वो भी टूट गया रखने वाले कितने मालूम लग रखने वाले कितने रखा था ये मैंने कई बार गिफ्ट खोलते खोलते कह रही है फर्स्ट को ये पहनूंगी रमजान को फर्स्ट को थोड़ा अच्छा और लास्ट में क्या ईद के दिन तो अच्छे ही पहनते तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये कम अच्छा है। अरे मतलब ये थोड़ा ये कलर देखो ना जब दो चीजें होंगी जाहिर सी बात है एक थोड़ा अच्छा लगेगा एक थोड़ा कम लगेगा। ये देखो सूट केस का पेट फट गया है तो वो ये झोला हुआ खाली 100 रुपए का झोला ले लेना नहीं नहीं लेकिन चल जाएगा थोड़ा सा है ना इतना सा नियत लगाए थे कि मुझे झोला है मैंने देखो थोड़ा झोला हो गई लड़ाई हो गई और बेटी का जोक बहुत अच्छी लगती है और ये ना फिर से हम फ्रेम करा लेंगे फ्रेंड्स पहले हमारा बेडरूम अंदर का ठीक हो जाए उसके बाद हमें थोड़ा सा ड्राइंग रूम भी ठीक कराना है ताकि वहाँ पे अपने हम ये सारी स्पेशल चीजें रख पाए जैसे कि गोल्ड बटन ये बटन और जिस शहर में जाते हैं वहाँ पे अगर एक कोई भी रिस्पेक्ट के लिए या हमें कोई याद करने के लिए कोई चीज मिली ये सब तो हो गया। आप सबका दिल से फिर से एक बार और शुक्रिया जमशेदपुर वालों रांची वालों बिहार वालों कलकत्ता वालों जमशेदपुर के आस पास क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हम इंडिया वालों पूरे इंडिया वालों दुनिया वालों बहुत शुक्रिया। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज और सबसे खुशी की चीज वो आपके सामने आने वाली है वो है ये देखो भाई सोने के कंगन इतने प्यारे और ये बनवाए हैं हमारे प्यारे खालू ने खाला के लिए मतलब खाला के हस्बैंड ने हमारे स्टार खालू ने उनको दिमाग में कैसे आया उन्होंने मतलब अचानक पता नहीं हाँ अपने मर्जी से कहने लगे जाओ कंगन लेके हमने कर लिया आएंगे बाद में कहने लगे नहीं अभी जाओ लेके खालू को आना था छुट्टी अच्छा तो खालू आ नहीं पाए उन्होंने मोहब्बत में कहा तुम ये ले लो फिर मैं बाद में आया तो खुश हो जाए पहले हम दे भी चुके हैं ना पहली बार में जब वो जा रहे थे सऊदीया तो हमने अपना हार जोड़ी चार हमने दे दी थी सऊदी जाने के लिए पैसे लगते हैं तो उस वक्त आपको पता है कि थोड़ी सिचुएशन एक की एक जैसी नहीं रहती है तो खाला ने अपना जेवर बेच के उनको दिया नया जेवर दे दिया था फिर उसके बाद में आके उन्होंने हमें दो कंगन दिलाए थे फिर से फिर उनको कुछ परेशानी आ गई थी फिर हमने दे दिया छह कंगन हमारे जा चुके हैं फिर उन्होंने हमें अभी दिला दिए 25 ग्राम के कंगन बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह फ्रेंड्स आप देखिए खुश चलो थैंक यू खालू आपने खाला के दिलाए बहुत अच्छे लग रहे हैं अच्छे अल्लाह और बरकत दे और कामयाबी फ्रेंड्स माशाल्लाह जरूर करिए वीडियो का एंडिंग नहीं देता जैसे वीडियो का एंडिंग ले रही है आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा। दिन भर बिजी थे ऊपर का काम जैसे चल रहा है आपको बहुत जल्द ऊपर से पूरा रूम रेडी करके दिखाते हैं और भी बहुत सारी चीजें आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे तब तक अपना ख्याल रखिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।